ऑल राइट कैसे हो भाई लोग। होप करता हूँ सारे बढ़िया हो गए। एंड ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का एक क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई ये माइक कौन सा यूज करते हो, तो ये माइक एक्चुअली बोया बाई M1 माइक है, जिसका मैं परचेज लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड जो भी शॉपिंग मतलब अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं से भी आप लोग इसे सर्च करोगे तो वो आ जाता है। एंड दिस इज़ अ बेस्ट माइक। और सेकेंड थिंग कि ये जब से मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ तभी से मैं यही यूज़ कर रहा हूँ एंड बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पे। ये जो अभी देख रहे हो यहाँ पे जो बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड नहीं वहाँ जो लिरिक्स होता है, ये जो आउटलाइन साइड आउटलाइन की तरह लिरिक्स होता है, कैसे लिख सकते हो, कैसे ऐड कर सकते हो, कौन सा एनिमेशन देना है, इसके लिए कैसा एनिमेशन बेस्ट रहेगा, क्या रहेगा, हर एक चीज़ इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। एंड इसे कैसे लिखना है वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो खैर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये जो चीज़ है पिक्सल ऐप में होगा, तो पिक्सल ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड सेकेंड थिंग कि जो एनिमेशन होगा कैपकट में ही होगा, जानते ही होगे, तो चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। ओके, तो आ चुके अपने फ़ोन के स्क्रीन पे। एंड सबसे पहले हमें टेक्स्ट लिखना होगा। ठीक है, तो टेक्स्ट हम कैसे लिखेंगे वो पिक्सल ऐप में लिखेंगे। तो सबसे पहले ओपन करते हैं हम लोग पिक्सल ऐप। एंड पिक्सल ऐप ओपन करने के बाद जो भी आपका टेक्स्ट होगा ना, जो भी आपका टेक्स्ट होगा, लिरिक्स होगा, सबसे पहले उसे लिखना होगा। ठीक है, तो न्यू टेक्स्ट पे डबल टैप एंड इसे कर देंगे डिलीट। एंड कुछ भी लिख लेते हैं, सपोज क्या मैं लिखूँ, ओके कुछ भी लिख लेता हूँ, रूट एंड ओके। ठीक है, अब ये जो लिखोगे ना इसमें कोई ये फंट मैंने नहीं रखता है कि इसमें कौन सा फंट यूज करोगे। अगर देखो ज़्यादा बोल्ड फंट रहेगा तो और भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बोल्ड का मतलब ये नहीं कि मोटा सा, बोल्ड का मतलब ये कि थोड़ा वो बड़ा रहेगा ना। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आ जाओगे ए में तो आपको इधर फंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। माई फंट में देखो थोड़ा ये मेसा जो है ना, मेसा एक फंट है। ठीक है, आप लोग जाके गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हो। एंड इस मेसा फंट जो है ना थोड़ा बड़ा है, तो ऐसे टेक्स्ट को आप लोग खोजना। इसमें क्या है पिक्सल में, अगर फंट में ही जाओगे तो आपको ये वाला एक फंट देखने को मिल जाता है, थर्ड फोर्थ फाइव नंबर पर, ये वाला बोल्ट वाला। ठीक है, तो इस पर अमरनाथ बोल्ट है आई थिंक, हाँ ठीक है। तो इस पर क्लिक करके ये भी फंड बहुत ज़्यादा सही है इसके लिए। ठीक है, तो बस इतना कर लेना होगा। ये करने के बाद मैं यूज कर रहा हूँ बाय डिफॉल्ट जो इसमें दिया हुआ है। ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको डाउनलोड भी करना होगा। ओके, तो हमें आउटलाइन में कन्वर्ट करना है। इसे आउटलाइन में कैसे कन्वर्ट करना है, देखो सिंपली इधर आ जाओगे तो आपको एक के देखने को मिल जाएगा। भाई किधर गया, देखो आउट स्ट्रोक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो स्ट्रोक पे क्लिक करो एंड इसे इनेबल कर दो। ठीक है, तो ये अभी ब्लैक हो गया। ठीक है, देख सकते हो कि ब्लैक ब्लैक आउटलाइन आ गई, लेकिन इसे हमें करना है वाइट। ठीक है, तो सिंपली देखो अगर यहाँ पे वाइट का ऑप्शन आ जाता है तो सही है, अगर नहीं आता तो इस प्लस वाले गन पे क्लिक करके एंड ये जो है इस साइड लेकर आ जाओ एंड ओके पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो वो आउटलाइन आ गया। अगर आपको नहीं दिख रहा है, अभी आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि जो टेक्स्ट है वो भी व्हाइट कलर का ही है। ठीक है, तो अभी दिखेगा, सही वाले गन पे क्लिक करेंगे एंड देखो यहाँ पे कलर का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। आउटलाइन इनेबल कर दिया एंड कलर पे आ जाओ। कलर पे आ जाने के बाद इस प्लस वाले गन पे क्लिक करो एंड ये जो आपको दिख रहा है थर्ड वाला नीचे वाला, इसको एकदम बिल्कुल जीरो कर दो। मतलब जो टेक्स्ट के अंदर जो है ना, टेक्स्ट का अंदर कलर ही नहीं रहेगा। ओके, तो वो आउटलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल। ओके ओके कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये आउटलाइन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो बस बहुत ज़्यादा ईजी था आउटलाइन में इसे कन्वर्ट करना। एंड सही वाले गन पे क्लिक करके देख सकते हो कि ये जो रूट लिखा हुआ है थोड़ा बहुत ज़्यादा सटा हुआ है, तो यहाँ पर आपको एक स्पेसिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, किधर गया, ये वाला। ठीक है, तो आप लोग इसका थोड़ा सा स्पेस बढ़ा भी सकते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा बेटर लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ करना, बाकी अब आप ही ये डिपेंड करता है कैसे क्या यूज करते हो क्या नहीं। एंड इसे हम लोग सेव करेंगे, तो सॉरी तो इसमें जाएंगे फोर्थ वाले में, ट्रांसपेरेंट करके ऊपर शेयर के ऑप्शन पे डिफॉल्ट अल्ट्रा कर देंगे एंड सेव टू गैलरी। ठीक है, तो जो भी आपका टेक्स्ट होगा, जो भी लिरिक्स होगा, तो सबसे पहले लिरिक्स को लिख लेना होगा ऐसे करके आउटलाइन जैसे कि मैंने अभी बताया। एंड अब ओपन कर लेते हैं हम लोग कैपकट। ओके, न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करेंगे, एक वीडियो को इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो एक वीडियो को इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ से मैं थोड़ा कट कर देता हूँ, स्प्लिट एंड डिलीट। ओके, चलो इतना डिलीट कर दिया। अब करने के बाद देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डिलीट हो जाए भाई। ओके, तो ओवरले में जाओ, ऐड ओवरले करो एंड फोटो में आ जाते हैं, सॉरी कैपकट नहीं भाई, एल्बम। एंड यहाँ पे देखो सबसे पहले इस रूट को ऐसे भी यूज कर सकते हो सिंपल, लेकिन मैं बेसिकली कैसे यूज करता हूँ, देखो यहाँ पे आ गया, पूरा फुल स्क्रीन पे कर सकते हो। एंड मैं बेसिकली कैसे यूज करता हूँ मैं बताता हूँ, इसे डिलीट कर देते हैं, ऐड ओवरले करते हैं। ये जो टेक्स्ट है सबसे पहले यहाँ पे मान लो ये वाला आया, ठीक है, इतना से स्टार्ट हुआ एंड रूट जो बोल रहा है, सपोज करो कि वो लिरिक्स है, रूट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो बस मैं ऐसे यूज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली ठीक है, तो ऐसे एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा सही है। अब इसमें सिंपल एनिमेशन, बहुत सारे एनिमेशन आपको मिल जाएंगे, एनिमेशन में आ जाओ, कॉम्बो में आ जाओ। तो इसमें देखो बेसिकली जो मैं यूज करता हूँ एनिमेशन बहुत ज़्यादा बेटर वाला, एंड इसमें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला, किधर गया, देखो ये वाला एक ये वाला बहुत ज़्यादा सही लगता है, वैसे ये भी बहुत ज़्यादा सही लगता है। एंड एक और भाई किधर गया, हाँ ये वाला देखो, ये बहुत ज़्यादा मुझे सही लगता है। ठीक है, इस वाले आउटलाइन में इसको और छोटा कर देता हूँ ताकि इसका स्पीड और ज़्यादा हो जाए, देखो
देख सकते हो भाई, बहुत ज़्यादा बेटर लगता है एंड इसे आप लोग यूज कर सकते हो। एक चीज़ और मैं इसमें बता देता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो टेक्स्ट है इसका कलर चेंज होते रहता है। तो कलर में कैसे चेंज करता हूँ, सिंपली देखो इफेक्ट में जाता हूँ, वीडियो इफेक्ट, अभी नो इंटरनेट दिखा रहा है तो यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा भाई वीपीएन। तो ओपन कर लेते हैं फिर से हम कैपकट एंड ऊपर वाले में आ जाते हैं। सो आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ से ये वाला रूट इफेक्ट में आ जाएंगे, वीडियो इफेक्ट, एंड यहाँ पे मैंने एक देखो पार्टी में आओगे ना तो यहाँ पे ये वाला आपको इफेक्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 आपको ये वाला इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो। अब देखो इसका ऑब्जेक्ट में आ जाना, ऑब्जेक्ट में आ जाने के बाद इसे देखो किस पे करना है, तो ऑब्जेक्ट में आ जाओ, सॉरी ऑब्जेक्ट में आ जाने के बाद देखो इस पे करना है हम लोग के टेक्स्ट पे, देख सकते हो वहाँ पे कलर आपका चेंज होने लगेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे एडजस्टमेंट में आके स्पीड भी बढ़ा सकते हो। ठीक ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ जो टेक्स्ट में है वो आपको कलर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऐसे कर सकते हो एंड इसे बहुत अच्छे से यूज करो। बस इतना ही था वीडियो, होप करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही।